Hello students, today we are covering our next topic of infectious diseases, that is typhoid. So let's start. Now what actually a typhoid is? So typhoid is basically a kind of fever which is worldwide being recognized as an enteric fever that is related to our intestine and which is being caused by ingestion of contaminated food, water and through infected sewage, which contains the bacterium called Salmonella typhi, which is a causative agent of the disease. So typhoid क्या है? Typhoid का दूसरा नाम होता है हमारा enteric fever, जो क्या है basically हमारा intestine से related होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं enteric fever, जो किस bacteria की वजह से होता है, जो होता है हमारा bacterium जिसका नाम होता है Salmonella typhi. ये एक type का gram negative short type का bacteria है, जो हाईली मोटाइल होता है, बॉडी में एंटर करने के बाद ईजिली इन्वेट कर जाता है हमारी इंटेस्टाइन में इफ़ वी हैव लो इम्यूनिटी एंड देयर इट स्टार्ट्स इज प्रोग्रेसिंग एंड धीरे धीरे ऑल ओवर अदर पार्ट्स में प्रोग्रेस आउट कर जाता है. ह्यूमंस इसके फर्स्ट ऑफ ऑल होस्ट होते हैं हमारे बैक्टीरिया सेल्मोनेला टाइफी के लिए. जैसे कि मैंने बताया Salmonella typhi क्या है, एक टाइप का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो अपने फ्लैजिला के थ्रू जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर होते हैं उसके थ्रू ये मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ईजिली हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सीवेज, अनहाइजेनिक कंडीशंस. ये बेसिकली बिलोंग करता है Escherichia coli की फैमिली को, दैट इज एंटीरो बैक्टीरिया ट्रिवली नोन एज एंटेरिक, जो मैंने बताया इंटेस्टिनाई में इन्वेट करके वहाँ रिसाइड करते हैं. मेनली ये क्या है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ वार्म एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया. दूसरे दो टाइप के डिजीज को कॉज करते हैं, पहला है हमारा वही टाइफाइड फीवर, दूसरा है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दैट इज द इन्फेक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट विच इज बींग ऑल्सो रिजल्टेड फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड. मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो हमारा आता है कंटामिनेटेड फूड, वाटर, अनहाइजेनिक कंडीशंस, इन्फेक्टेड सीवेज, स्टूल एंड समटाइम्स यूरिन. फिर हैंड टू हैंड ट्रांसमिशन आफ्टर यूजिंग ए कंटामिनेटेड टॉयलेट और ओवरऑल ट्रांसमिशन वी आर कंटामिनेटेड फूड, वाटर, स्पेशली शेलफिश एंड इन अदर केसेस सेक्शुअल ट्रांसमिशन. तो ये सारे रहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे टाइफाइड के. नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, व्हाट आर द कॉजेज. तो सबसे पहले ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड पर्सन अगर स्नीज या कफ कर रहा है तो उससे भी ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है. सेकेंड हमारा इनटेक ऑफ अनपॉस्चराइज काव मिल्क, जो क्या है बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं अगर सही से पेस्चराइजेशन मिल्क का नहीं हुआ है तो, या ड्यू टू री इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया या ड्यू टू सम अदर काइंड ऑफ डिजीज लाइक डायबिटीज, मेलाइटस, वूपिंग कफ, इन्फेंट्स में जो बहुत कॉमन रहता है काली खांसी, अल्कोहलिज्म. फिर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक मेल न्यूट्रिशन, जिसका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली डेवलप ना हो, हैवी वर्कलोड, इनएडुकेट स्लीप एंड स्पेशली मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज अनहाइजेनिक प्रैक्टिस. ये सारे हमारे इटियोलॉजिकल कॉजेज होते हैं. साइंग एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला साइंग एंड सिम्टम हमारा आता है एब्डोमिनल पेन, क्योंकि ये इन्वेट करता है सीधे हमारे इंटेस्टाइन में जाके. फिर कॉन्स्टिपेशन, एंसेफेलाइटिस, स्किन रैशेज, हाई फीवर एब्डोमिनल पेन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है इसके. फिर वाटरी स्टूल्स, डायरिया, सीवियर केसेस में हेलुसिनेशन, डिलीरम, डिहाइड्रेशन, इरीटेशन, ये सारे कॉमन साइंग एंड सिम्टम्स हमारे टाइफाइड फीवर के. कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले हमारा आता है इन्फ्लामेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस. फिर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया. फिर हार्ट का मायोकार्डाइटिस, हेपेटो में फैटी लिवरी, हेपेटाइटिस, जीआईटी में जैसे मैंने बताया था गैस्ट्रोएंटेराइटिस. फिर सीएनएस में मेनिनजाइटिस, माइलाइटिस. अदर्स में आपका आ गया आर्थराइटिस, क्रोनिक ऑस्टियोमायलाइटिस. ये सारे इन्फेक्शन हमारे अदर अलग अलग पार्ट्स की बॉडी के, तो मेजरली कॉम्प्लिकेशन हमारे टाइफाइड फीवर.
सबसे अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की. व्हाट इज द पैथोजेनेसिस दैट इज बीइंग फॉलोड बाय द बैक्टीरिया. सबसे पहले क्या है, बैक्टीरिया ने एंटर करा बॉडी में थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर. वो क्या है, या तो जो हेल्दी पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी बहुत सही है उसमें क्या है, वहाँ पे हमारे जो HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक में वो उसे क्रॉस ही नहीं कर पाएगा और स्टमक में ही वो डाई कर जाता है. लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम है वो वहाँ से ट्रेवल आउट करके सीधे हमारे इंटेस्टिनल सेल्स की लाइनिंग पे जाता है, जिसे हम बोलते हैं म्यूकोसल लाइनिंग. वहाँ पे जाके ये अटैक करना शुरू कर देता है. वहाँ पे ये छोटे छोटे पोर्स और होल्स प्रोड्यूस करने लगता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई होता है हमारे इंटेस्टिनल लिम्फोइड टिश्यूज में, पेयर पैचेस में. क्योंकि क्या है, हमारे कंट्रोल रखते हैं पैथोजेंस को, ग्रोथ को हमारे इंटेस्टाइन में, ये उनको जाके इन्फेक्ट करता है स्टार्टिंग के केस में. वहाँ ये 1 से 3 वीक लेता है डेवलप होने में. फिर ये धीरे धीरे जब इसका इंक्यूबेशन पीरियड एंड होता है तभी ये एंटर करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में थ्रू लीकेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टिनल फ्लूड्स एंड थ्रू द पोर्स विच हैज बीन क्रिएटेड इन द इंटेस्टाइन. फिर ये धीरे धीरे इन्वेट करता है गॉल ब्लैडर पे, लिम्फेटिक अदर टिश्यूज पे, फिर जैसे कि हमने देखा अदर पार्ट्स में, गेस्ट्रो इंटेस्टाइन में, ब्रोंकियोज में, अदर लिम्फेटिक टिश्यूज में. फाइनली ये क्या है, हमारे स्टूल्स और उसमें भी पास आउट होने लगता है थ्रू डायरिया एंड वाटरी स्टूल्स. ये होती है इसकी पैथोजेनेसिस. ट्रीटमेंट की बात करें तो हम ट्रीटमेंट में सबसे पहले लेते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स, जिसमें कुछ टाइप की हमारी एंटीबायोटिक्स आती हैं. सेप्रोटॉक्सिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लोरामफेनिकॉल. फिर मल्टी ड्रग में आपके आ गई सिफिक्ट्रोजोन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन. ये कुछ टाइप की एंटीबायोटिक्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं हमारे टाइफाइड फीवर में, जो ईजिली हमारे बैक्टीरिया को किल आउट करने में, फ्लश आउट करने में हेल्पफुल होती हैं. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेनिंजाइटिस. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस. सो व्हाट एक्चुअली मेनिंजाइटिस इज, एज द वर्ड आइटिस इज इंडिकेटिंग द इन्फ्लामेशन. तो मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजाइटिस है इन्फ्लामेशन हमारे मेनिंजेस का. अब व्हाट एक्चुअली मेनिंजेस आर, मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस होती है हमारी 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और मेनली मेनिंजाइटिस क्या है, 2 इनर लेयर्स का इन्फ्लामेशन है, जिसे हम नाम देते हैं लेप्टोमेनिंजेस का. 3 जो लेयर्स होती हैं उनके नाम होते हैं ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर. मेनिंजाइटिस जो है वो 2 लेप्टोमेनिंजीज के इन्फ्लामेशन को कहते हैं, जिनके नाम्स होते हैं एरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर. इन दोनों के इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड इन्फ्लामेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजेस. इन दोनों के बीच में स्पेस होती है जिसे हम बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, जहाँ पर रिसाइड करता है हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड. ये क्या होता है, ये एक टाइप का क्लियर वाटरी लिक्विड है जो इम्पैक्ट को रेजिस्ट करता है और दूसरा हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. अब मेनिंजाइटिस की इटियोलॉजिकल कॉजेज क्या है, सबसे बेसिक कॉजेज है हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन. मोस्ट प्रोमिनेंट कॉजेज है हमारे मेनिंजाइटिस के. फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेज आ गए हमारे फंगल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड सर्टेन काइंड ऑफ मेडिकेशन. मेडिकेशंस में वो सारी ड्रग्स आ गई जो जिससे इन्फ्लामेशन है उनके चांसेस रहते हैं जब हम उन्हें डायरेक्टली एडमिट करते हैं हमारे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड में या बॉडी में एंटर करता है बैक्टीरिया. तो सम काइंड ऑफ इन्वेजन लाइक ट्रॉमा और सम सर्टेन काइंड ऑफ इंजरी इन द स्कल और थ्रू द ब्लड स्ट्रीम बाय अटैकिंग द एंडोथेलियल सेल्स विच मेक्स अप द ब्लड ब्रेन बैरियर. साइंग एंड सिम्टम्स से पहले मैं बताना चाहूँगा मेनिंजाइटिस क्या है. एक पार्ट है, एक इन्फ्लामेशन है हमारे लेप्टोमेनिंजीज का. ब्रेन्स का इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं एंसेफलाइटिस. जब मेनिंजाइटिस और एंसेफलाइटिस कंबाइन फॉर्म में होते हैं तब उसे हम बोलते हैं मेनिंगो एंसेफलाइटिस. अब मेनिंजाइटिस को होने के लिए कुछ टाइप के ट्रिगर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि अभी हमने इटियोलॉजी में पढ़ा. तो उन ट्रिगर्स में क्या होता है,
ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई हमारी, जब बॉडी हमारी खुद से अटैक करने लगती है, एडवर्स रिएक्शन हमारी जो थेरेपीज में होगा, इन्फेक्शन हो गए। अब बात करते हैं साइंग एंड सिम्टम्स की। तो साइंग एंड सिम्टम्स में क्लासिकल सिम्टम्स हमारे आ गए हेडेक्स, फीवर, स्टिफनेस इन द नेक, फोटोफोबिया दैट इज डिस्कम्फर्ट विद द ब्राइट लाइट, फोनोफोबिया डिस्कम्फर्ट विद लाउड साउंड्स, फिर मेनिंगो एन्सेफलाइटिस में आ गया आपका ऑल्टर्न मेंटल स्टेट, डेजर्ट कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, कन्वर्जेंस, सीजर्स, ये सारे हमारे साइंग एंड सिम्टम्स। अब डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोस में हम सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लामेशंस आई और ईयर में, फिर ब्लड टेस्ट के थ्रू बैक्टीरियल वायरस को टेस्ट आउट करते हैं, फिर थ्रू सीटी स्कैन एमआरआई में मोस्ट पिक्सिलेट करके देखते हैं ब्रेन सेल्स को, लंबर पंक्चर से हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड को एक्सट्रैक्ट आउट करके उसको एग्जामिन करते हैं पीसीआर के थ्रू, ईईजीस के थ्रू, ये कुछ हमारी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। सबसे पहले क्या है, बैक्टीरिया एंटर करा हमारी बॉडी में। अब एंटर कैसे करता है, ये एंटर दो तरीके से कर सकता है, या तो डायरेक्टली कर सकता है हमारी बॉडी में, जैसे कि मैंने बताया थ्रू ट्रॉमा और सर्टेन काइंड ऑफ इंजरीज इन द हेड डायरेक्टली इन्वेड कर सकता है हमारे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड में, या थ्रू सर्टेन काइंड ऑफ मेडिकेशंस, या दूसरा रहता है इसका हेमेटोजेनस स्प्रेड, जिसमें क्या है ये बाइंड अप कर जाता है हमारी एंडोथेलियल सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ, जो बनाती है हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर, वहाँ पर एंटर करके उसके थ्रू ये डायरेक्टली हमारा एंटर कर जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई होने लगता है हमारे सब एरिग्नोइड स्पेस में, जहाँ पे रिसाइड करता है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो जिसमें क्या है इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, जैसे मैंने बताया अभी, धीरे धीरे वहाँ पे क्या है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ रिलीज होती है साइटोकाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिंस। अब वहाँ पे धीरे धीरे लीकेज होने लगता है हमारे प्लाज्मा फ्लूइड का, जिसकी वजह से क्या है सेरिब्रल एडीमा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, ये तीन मेन चेंजेस आने लगते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, तो मेन पैथोलॉजिकल कॉजेज है हमारे मेनिनजाइटिस के। अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन में अलग अलग टाइप की WBCs या अलग अलग अमाउंट में WBCs हमारी रिलीज आउट होती है, जैसे कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा तो उसमें लेस देन 100 WBCs और 90% पॉलीमोर्फिक न्यूट्रोफिल्स होंगी, वायरस में 10 to 10,000 WBCs रहती हैं, 50% लिम्फोसाइट्स होंगे और 20% PMNs, फंगल में 10 to 500 WBCs, लेस देन 50% लिम्फोसाइट्स, अलग अलग इन्वेजन्स के केस में अलग अलग टाइप के WBCs अलग अलग अमाउंट में रिलीज होती हैं। फिर कुछ टाइप के बैक्टीरिया के नाम बता देता हूँ, जैसे कि हमारे ईकोलाई हो गया, या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो गया हमारा, नेसीरिया मेनिनजाइटिस, फंजाई में आपको होगा क्रिप्टोकोकस जेनेसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कोकिडियोसिस जेनेसिस, ये हमारे आ गए बैक्टीरियल और फंगल। वायरस में हमारा आ गया हर्पीज वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस एंड सर्टेन केसेस इवन HIV। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सबसे जनरल ट्रीटमेंट आपका आ गया आइसोलेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन, फिर केयरफुल मॉनिटरिंग बाय नर्सिंग। अब इसमें क्या है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स और का इम्बेलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फ्लूड रिटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, तो हमें क्या इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूड बैलेंस रखना होता है बॉडी में। फिर ये बैक्टीरियल वायरल और फंगल इन्फेक्शन है, तो इसके लिए हमें क्या है बैक्टीरियासाइडल फंजीसाइडल ड्रग्स यूज़ करनी होंगी, जैसे पेनिसिलिन जी हो गई, सेफेलोस्पोरिन हो गए, एरिथ्रोमाइसिन हो गए, ये सारे हमारे क्या हैं ड्रग्स हैं जो यूज़ की जाती हैं कॉमनली। फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज आउट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स एडमिनिस्टर करते हैं हम, जिससे सेरिब्रो स्पाइनल प्रेशर कम हो, ये हमारे ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज रहती हैं। थैंक यू।